का सपना देखते हैं, बेटियों को कहते हैं जा बेटी उछाल लगा लगा छलांग और छाले फलक पे, और उसको कोई बैठ के वहां पे इनका चमचा बैठ के उसको छेड़े तो हमें सहन होगा, लेकिन ये तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं करते हो तुम। यही तानाशाही है दोस्तों, और उस तानाशाही का चरम स्वरूप हमने देखा कि अब उस बेटी के साथ क्या किया गया। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा उस बारे में, लेकिन सबको पता है किसने किया और क्या किया। आज अगर उसके आंसू बहे हैं तो कुछ तो खेल किया गया है, कुछ तो खेल किया गया है। दोस्तों 17 महीने में जब मैं अंदर था तो अंदर रह के मैंने खूब चिंतन मनन किया। टाइम ही टाइम था, यहां तो आप लोग टाइम देते नहीं हो, वापस आ गया हूं फिर टाइम नहीं दोगे। खूब चिंतन मनन किया, अपने ऊपर भी किया, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, सरकारों के ऊपर खूब अध्ययन किया। मेरे ख्याल से मैंने कम से कम हर 3-4 दिन में एक किताब खत्म कर देता था मैं, और कई लोगों ने भेजी बाई पोस्ट किताबें भेजी आप में से कई लोगों ने, भाई साहब ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, तो वहां भी नहीं छोड़ते थे, बोले काम पे लगाए रखेंगे। करीब करीब मैं समझता हूँ 300 की किताबें मैंने पढ़ी वहां पे, हर 2-3 दिन में एक किताब खत्म हो जाती थी। पर सबसे पहले आपको ध्यान होगा मैं गीता लेके गया था, और गीता लेके गया था तो मेरे दिमाग में ना प्रश्न थे कि यार भगवान मैं तो स्कूल ही तो बनवा रहा था, मेरे को जेल क्यों भेज दिया, मेरी बीवी की मेरे बच्चे की क्या गलती थी कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए दिन रात सुबह से शाम एक करके स्कूल बनवा रहा था, उनके लिए अच्छे IIT में चले जाएं, अच्छी नौकरियां लग जाएं। मैंने भगवान से पूछा अंदर आंख बंद करके कि मेरी क्या गलती थी, मैं जेल में क्यों। तो भगवान ने कहा गीता पढ़ पता चल जाएगा, अंदर से आवाज आई, और मैंने गीता पढ़ी और मुझे जवाब मिल गया। मेरे मन में जो भी सवाल आया, मैं ऐसा नहीं है कि यहां कोई उसकी बात कर रहा हूं, जब आदमी अंदर जेल में होता है अकेला बैठता है तालों में, वो शिक्षकों के पीछे बैठता है तो तरह तरह के सवाल उठते हैं, अंदर बहुत झांकता है, बहुत सवाल उठते थे मन में। और बस भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे मन में जो सवाल उठा और अंदर से आवाज आती थी इस सवाल का जवाब तुझे कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, गीता में मिलेगा, पढ़ ले। खूब गीता पढ़ी, और बाद में तो मैंने कम से कम 10 महान लोगों की व्याख्या कम से कम 10 पढ़ ली होंगी, अलग अलग लोगों की, विनोबा भावे जी की, गांधी जी की, श्री श्री जी की, आचार्य प्रशांत जी की, बहुत लोगों की व्याख्या की हुई गीता मैंने पढ़ डाली, देवदत्त पटनायक की, सब में से पढ़ पढ़ के मुझे बड़े सारे आंसर मिलते चले गए, मुझे अपने सवालों के आंसर मिलते चले गए। खूब गीता पढ़ी मैंने, उसके अलावा मैंने दुनिया भर की एजुकेशन की बुक्स पढ़ी, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इंडिया में भी, कहाँ एजुकेशन पे क्या काम हुआ खूब पढ़ा मैं, कम से कम 100-125 बुक्स तो मैंने एजुकेशन के बारे में पढ़ी, दुनिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैंने एक चीज जानी दोस्तों, और मेरा इरादा और फर्म होता गया, आप और हम तो पहले से ही उस पर यकीन करते हैं, हम मेरा यकीन वहां पक्का होता गया कि भारत को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल उपलब्ध कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने। 17 महीने में, उससे पहले के अपने काम, आप सबके काम, और इस अध्ययन चिंतन मनन के बाद लेके लौटाऊं और कुछ दुनिया के बारे में सोच समझ के लौटाऊं कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश के एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल, और जहां प्राइवेट है उनकी प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल में रखो, इसके अलावा विकसित राष्ट्र बनाने का कोई राजमार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई आदमी कहता है कि मैं शिक्षा की बात किए बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर लेता हूं तो जुमलेबाजी होगा, वो केवल जुमले फेंक रहा होगा, विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर कोई आदमी कहता है कि इस देश के हर आदमी के लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराए बिना, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए बिना हम विकसित राष्ट्र खड़ा कर लेंगे तो महाजुमलेबाज होगा, नेता तो नहीं हो सकता, वो कोई विजनरी लीडर तो नहीं हो सकता। अपनी तानाशाही, जुमलेबाजी की आड़ में तानाशाही का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन नहीं बन सकता। बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के विकसित राष्ट्र बन ही नहीं सकता। दुनिया का कोई राष्ट्र विकसित नहीं बना बिना शिक्षा, बिना स्वास्थ्य और बिना रोजगार पे काम किए हुए।
विकसित राष्ट्र की बात हो। अब इनको दर्द क्या है, आम आदमी पार्टी ये कर दे रही है। हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि यार ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो अपने आप 2047 का भारत विकसित हो जाएगा। आज ये जो माँ बाप हैं, जो कल आने वाले समय के माँ बाप हैं, ये अगर इनको सबको अच्छे अस्पताल मिल गए, आने वाले बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल मिल गए तो अपने आप भारत विकसित हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी कर दे रही है, दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, इस भरोसे पे गुजरात में, गोवा में, सब जगह वोटें पड़ने लगी, तब इनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए सबको जेल में डालने पे आ गए। फिर से सलाम करता हूं कि इनकी तमाम ताकत के बावजूद, इनकी तमाम साजिशों के बावजूद, बुरे वक्त में चट्टान की तरह से इकट्ठे होके खड़े रहे आप सब लोग, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। ये पार्टी की यह लीडरशिप, बीच बीच में लीडरशिप यहां खड़ी है, बैठी है, कई सारे एमएलए साथी, कई सारे सीनियर लीडर्स यहां सब खड़े हैं, ये सब एक मुट्ठी की तरह से जिस तरह से खड़े रहे वो मिसाल है। आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी का आगे जाके राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा देश का, तब लोग कहेंगे कि सबसे बुरे दौर में पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप अपना खून पसीना एक करके सड़कों पे लड़ रही थी, एकजुट होके लड़ रही थी। ये केजरीवाल जी का कुनबा एकजुट होके लड़ रहा था, केजरीवाल जी का कुनबा बिखरा नहीं, केजरीवाल जी के साथ खड़ा रहा, इसी से इनको डर लगता है। और फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के बाद वो दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रोक लगा देंगे, तो वो गलती कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं इस बात की। दिल्ली के हर गरीब आदमी को, और ये इलेक्शन का ऐलान कर रहा हूं, दिल्ली के हर गरीब आदमी को बेहतरीन शिक्षा देके उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का सपना पूरा करने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। तुम जेल की क्या बात करते हो यार, हम जेल से डराते हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए और स्वास्थ्य के लिए तो हमारी ये कई जिंदगियां भी कुर्बान हो जाएं तो कम है यार। आप हमें जेल से डराते हो, नहीं डरेंगे आपकी जेलों से। केंद्र कितना भी षड्यंत्र कर, 2 करोड़ जनता दिल्ली की, उसके जीवन में खुशहाली लाने के लिए फिर से हम उतरेंगे, एक एक घर पर जाएंगे, एक एक घर को बताएंगे कि केजरीवाल जी इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई जुल्म किया है, वो इसलिए जेल में है कि आपके बच्चों को एजुकेशन देने का सच्चा काम उन्होंने करके दिखा दिया, वो इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है कि आपके मोहल्ले में जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है वो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने बना दिया और आप आराम से वहां जाके अपना छोटे मोटी चीजों का इलाज करा लेते हो, बड़े बड़े सरकारी अस्पताल शानदार होते चले गए, इसलिए केजरीवाल जी जेल में है। और ये फिर से कहूंगा कि जैसे संजय जी को निकाला, जैसे मुझे निकाला और साथियों को निकाला, हर साथी को और केजरीवाल जी को भी संविधान की ताकत निकाल के लाएगी। भारतीय जनता पार्टी और इनके तोता मैना कितने ही ताकतवर हों, लेकिन देश के संविधान से ताकतवर नहीं है ये लोग, देश के संविधान से ताकतवर नहीं है। इनकी सारी यातनाएं, सारी पीड़ाएं सहके भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमको यकीन है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हमारा संविधान है, संविधान जीतेगा। बस आखिर में यही कहूंगा कि हम भगत सिंह के चेले हैं, कहके गया था ये बात, कहके गए थे ना भगत सिंह के चेले हैं, डरने वाले नहीं है तुम्हारी जेलों से भी और तुम्हारे तोता मैना से भी। 17 महीने में जैसा गया था, बिल्कुल 17 महीने पहले जैसा गया था वैसा ही दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा? एनर्जी कुछ कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना। बस इनको लग रहा था जेल भेज के एनर्जी तोड़ देंगे, अब ये कहेंगे यार इनको जेल मत भेजो, ये तो दुगने एनर्जी लेके आते हैं। तो दोस्तों आखिर मैं एक बात कहूंगा और वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैंने सारी बात इसलिए कही क्योंकि तानाशाही की लड़ाई है और ये तानाशाही मेरे लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए नहीं, विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के लिए नहीं, देश के एक एक आदमी को बचाने के लिए है। इसलिए आज कल जब सुबह बेल का ऑर्डर आया, उससे पहले मैं ऐसे ही टीवी देख रहा था, उसमें 9 अगस्त के बारे में डिटेल चल रहा था, कैसे 9 अगस्त कितना महान दिन है,
भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, 10:30 बजे ऑर्डर आ गया बेल का। मैं आंखें बंद की, मैंने भगवान से पूछा ये है क्या, 9 अगस्त भारत छोड़ो के दिन बेल दे रहे हो, चक्कर क्या है? अंदर से आवाज आई कि भारत छोड़ो के दिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जेल से बाहर निकलो और तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज लगाओ, तानाशाही भारत छोड़ो। इस तानाशाही का शिकार हर आम आदमी हो रहा है, तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज उठानी पड़ेगी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में। और हम ये नहीं कह रहे तानाशाहो भारत छोड़ो, हम तानाशाहो के खिलाफ नहीं, हम तानाशाहो को भारत नहीं छुड़वाएंगे। हमने कई देशों में ये मॉडल देख लिए, वो क्या करते हैं कई तानाशाह, वो बड़े बड़े आंकड़े दिखाएंगे, देखो हमारी इकोनॉमी इतने मिलियन ट्रिलियन फिलियन पहुंच गई, जीडीपी पीडीपी के आंकड़े इतने बढ़ गए, उसके बाद आंकड़े दिखाते दिखाते सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं या उनको देश से बाहर भगा देते हैं, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को जेल में ठेल देते हैं, और उसके बाद कहते हैं देखो हम तो चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं, हमारी तो जीडीपी भी बढ़ रही है, हमारे तो ट्रिलियन बिलियन चल रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? वो कई देशों की जनता ने दिखा चुकी है कि भाई हम तो तानाशाहों को बाहर भगा देते हैं लेकिन हम भारत हैं, हम विवेकानंद की, गांधी की, नानक की जन्मभूमि है, हम बाबा साहब की जन्मभूमि है, हमारे को जरूरत नहीं है किसी तानाशाह को बाहर भगाने की, हम तो तानाशाही को बाहर भगाएंगे। तो तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तानाशाही आज हमारे और आपके जीवन के लिए, एक आम आदमी के जीवन के लिए खतरा बन गई है, इसको छुड़वाना पड़ेगा। ये संविधान के लिए खतरा बन गई है, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन गई है, हमारी बहनों के लिए खतरा बन गई है, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए खतरा बन गई है, इससे लड़ना पड़ेगा। और एक चीज कहूंगा यहां से, विपक्ष के लिए भी और इनकी सत्ता में बैठे नए नए साथियों के लिए भी जो इनके साथ नए नए गए हैं, इस तानाशाही से अगर लड़ना है तो एकजुट होके लड़ना पड़ेगा। ये ना सोचें कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जेल में हैं, कल नंबर आपका भी आएगा, कल नंबर उनका भी आएगा जो दूसरे पक्ष में बैठे हैं या इधर के पक्ष में बैठे हैं, कल नंबर उनका भी आएगा जो इधर नए नए गए हैं कि हम तो इनके साथ हैं। एनडीए के साथियों को भी कहना चाहता हूं, उनके साथ जो गए हैं, और इंडिया गठबंधन के भी एक एक आदमी को और बाकी सब पार्टियों के साथियों को कहना चाहता हूं, पार्टी की जिंदगी के लिए नहीं, नेताओं की जिंदगी के लिए नहीं, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और आज कह रहा हूं इस मंच से कि अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के बाहर अंदर बाहर आ जाएंगे। अगर देश के विपक्ष के नेता एकजुट होके हुंकार भर देंगे तो केजरीवाल जी केवल और केवल 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे, मैं आज लिख के दे रहा हूं। लेकिन इकट्ठे होकर करना पड़ेगा, यह मत सोचिए अभी तो केजरीवाल जी गए, जब हम पे आएगी तो देखेंगे, नहीं, सब पे आई हुई है, सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, सबको इकट्ठे होकर चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे। लड़ाई 400 ते आसन मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी दे वर्कर्स नू संबोधन उन्हां दे वलो कीता जा रहा है, इस विचार केंद्र दी बीजेपी सरकार ते हमलावर ने, सीबीआई जो ईडी एजेंसीज ने उन्हां ते भी हमलावर ने कई, तो ये कोई ये ना सोचे कि अलग अलग लड़ लेंगे, जब हमारी लड़ाई आएगी तो लड़ लेंगे, लड़ाई सबकी है, लड़ाई देश की है, लड़ाई एक एक भारत के नागरिक की है। सब पार्टी वालों को जिनको जनता ने थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं भरोसा दिया है, कहीं ज्यादा दिया है, सबको इकट्ठा होके इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जोर से चिल्लाना पड़ेगा कि तानाशाही भारत छोड़ो। और जिस दिन तानाशाही भारत छोड़ो का नारा हर गले से निकल गया, केजरीवाल जी सबसे पहले जेल से बाहर आएंगे। हेमंत सोरेन जी आ गए ना, देखो कितनी दिन मुझे निकाला, अभी अरविंद जी भी आएंगे, लेकिन सबको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सब। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो आज हम भरोसा दिलाते हैं कि दिल्ली के चुनाव में भी और बाकी चुनावों में भी पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घर में इस आवाज को उठाएंगे, एक एक शहर, एक एक नगर में इस आवाज को उठाएंगे और बता देंगे कि हमारे इरादे कितने फौलादी हैं। तुम चाहे जितनी यातनाएं दे लो, तुम चाहे जितने जुल्म कर लो, जब तक इस देह में प्राण रहेगा और माथे पे संविधान रहेगा,
इस दिल में हिंदुस्तान रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।